हेलो फ्रेंड्स, आज हम बिजनेस स्टडीज़ के अंदर एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर करेंगे कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। देखो, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी जब हम बिजनेस सेटअप करते हैं वहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और जो बिज़नेस जो है सेटअप किया जाता है किसी खास मकसद के लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो होते हैं नेचुरली जब हम बिज़नेस सेटअप करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और वो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखो, जब हम बिज़नेस सेटअप करते हैं तो वहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जिस बंदे ने बिज़नेस सेटअप किया है या जिसके दिमाग में आया कि मैंने बिज़नेस सेटअप करना है, उसका रोज़ी रोटी कमाने का बस जरिया होता है और वहीं से वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्योंकि नेचुरली मेन मकसद तो यही होता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, प्रॉफिट को अर्न करना। प्रॉफिट को हम तभी अर्न कर सकते हैं अगर हमारी कॉस्ट कंट्रोल में है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारी सेल प्राइस अच्छी है, सेल और कॉस्ट के अंदर डिफरेंस ज़्यादा है तभी हम प्रॉफिट को कमा सकते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा सेलेबल है। सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। नेचुरली देखो, जो हम बिज़नेस सेटअप करते हैं या तो वो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है, या वो ट्रेडिंग के साथ होता है, या वो सर्विस रेंडर करने में होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम देखते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कितनी है, डिमांड कितनी है, लोग क्या उसमें एक्सपेक्ट करते हैं, लोग कितने पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। फिर जब हमारे पास डिमांड फोरकास्टिंग आ जाती है फिर उसके बेसिस से हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेचुरली ये जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोड्यूस होती हैं। उसी तरह क्या होता है कि अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर भी देखते हैं कि जिन चीज़ों की मार्केट के अंदर डिमांड है वो अवेलेबल नहीं है, तो हम रेडीमेड चीज़ें जो है बाहर से परचेज़ करते हैं, दूसरों के मैन्युफैक्चर की परचेज़ करते हैं और कस्टमर तक पहुँचाते हैं। थर्ड है क्रिएटिंग मार्केट्स। देखो, अब चीज़ें प्रोड्यूस कर ली हैं, नेचुरली जिन लोगों ने यूज़ करनी है उन तक कैसे पहुँचानी है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन के अंदर तो देखो हम फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। क्रिएटिंग मार्केट के अंदर क्या होता है कि हम टाइम, प्लेस, पोजेशन तीनों तरह की यूटिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, मिडल मैन को हायर करते हैं, चीज़ों को हम वहाँ तक पहुँचाते हैं जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेल प्रमोशन करते हैं, इवन सर्वे करते हैं, लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट वो यूज़ करे। फिर उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देखो अगर हमारी जो बिज़नेस हाउस है अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो चीज़ें जो है क्वालिटी की मैन्युफैक्चर होंगी, कॉस्ट कम होगी। तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक हम चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, इवन जो ये तो है टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उसी तरह क्या होता है कि जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी जो डिफेक्ट्स होते हैं या सजेशंस होते हैं उसके मुताबिक हम अपने प्रोडक्ट की को भी मॉडिफाई करते हैं, प्रोडक्ट के अंदर भी चेंजेस करते हैं। उसी तरह ही देखो क्या है कि जो बिज़नेस है इसको देखो, ये बिज़नेस सेटअप भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, इसके अंदर काम भी ह्यूमन बीइंग करते हैं, जो चीज़ें हम बनाते हैं उसको भी ह्यूमन बीइंग यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को हम कैसे सर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस होती है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही होती है। हर डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होता है कंट्रीब्यूट करता है। देखो, प्रोडक्शन वाले अच्छी क्वालिटी का, मार्केटिंग वाले अच्छी तरह से प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, हर बंदा जो होता है उसका कुछ ना कुछ एफर्ट्स होता है। तो जो हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन देनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ को भी बोनस देना चाहिए, इंसेंटिव्स देने चाहिए। और ये इंसेंटिव जो है प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक्ड हो कि जितना ज़्यादा आप मैन्युफैक्चर करोगे जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होगा उसमें से आपको शेयर मिलेगा, तो एम्प्लॉयज़ को भी लगता है कि उनको इम्पोर्टेंस मिल रही है। उसी तरह देखो, जो कंज्यूमर है जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारा माल खरीदें, वो हमारा माल तभी खरीदेंगे, हमारी मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें तभी खरीदेंगे अगर वो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ, प्रोडक्ट की सर्विस के साथ दे आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो उनकी लॉयल्टी भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज़्यादा अटैच रहेगी। उसी तरह जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करेगी तो उनको, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, या अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अच्छी होगी तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमारे शेयर होल्डर भी सेटिस्फाइड होने चाहिए।
उसी तरह देखो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है देश के वेलफेयर के लिए काम करती है। हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं उसके अंदर हमें प्रॉपर अपना प्रॉफिट और डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि सरकार को रेवेन्यू मिले। सरकार वो पैसा जो है इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए करे। हमें सरकार के साथ जो भी हम पे टैक्स लगाती है वो हमें राइट टाइम पे, जो भी रिटर्न हमने सरकार को देनी है वो राइट टाइम पे होनी चाहिए। उसी तरह जो रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, उनकी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर उनकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। उसी तरह देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोसाइटी का ही पार्ट होती हैं। तो पहले ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या होता था कि ये नहीं देखा जाता था कि सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करना है। इवन अब तो गवर्नमेंट भी कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आपने परफॉर्म करना है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी ये होते हैं कि जो सोसाइटी को चीज़ें चाहिए, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए चीज़ें होती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनको नहीं मिल रही, तो वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाए, उनके अंदर चॉइसेस दी जाए। उसी तरह जो गुड्स सप्लाई करनी है क्वालिटी की करनी है, ये नहीं है कि मिलावट वाली चीज़ें हमने सेल करनी है। नेचुरली से सोसाइटी की हेल्थ ख़राब हो जाएगी, सोसाइटी को नुकसान होगा, उनको रीज़नेबल कॉस्ट के साथ करना है। उसी तरह जो गवर्नमेंट जो है उसके साथ भी हमने कॉपरेट करना है, क्योंकि जो हमारी इकॉनमी है ये मिक्स्ड इकॉनमी है, ये सोशलिस्टिक पैट्रिक के अंदर है। गवर्नमेंट जो है कहती है, प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं कि ये एरिया जो है इनके अंदर बिजनेस सेटअप करने चाहिए। तो जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको वहाँ पे बिज़नेस सेटअप करना चाहिए, जो सरकार के है, सरकार है उसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नेचुरली जो बिज़नेस हाउसेज जो है बिज़नेस खोलते हैं तो कई लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है इम्प्रूव होता है और इकोनॉमी के अंदर भी क्या होता है, ग्रोथ होती है। उसी तरह देखो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो फर्स्ट है सर्वाइवल। नेचुरली देखो जब हम बिज़नेस सेटअप करते हैं तो इमीजिएटली हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। इमीजिएटली तो जो होता है कि हमने अपने बिज़नेस को जो कम्पीटिंग कंडीशंस हैं उनमें अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है, अपने लॉसेस को कैसे मिनिमाइज करना है, लोगों के अंदर अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को कैसे इन्हांस करना है। सेकेंड है देखो सर्वाइवल के बाद सेकेंड स्टेप, पहले तो हम टिक जाते हैं। टिकने का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें कोई कॉम्पिटिटर जो है एलिमिनेट ना कर दे, हमारा बिजनेस जो है कंपीटिंग प्रेशर को भी झेल सके। जब हम सर्वाइव कर जाते हैं फिर होता है कि ग्रोथ, कि हमारा बिजनेस जो है प्रॉफिट कमाए, वो प्रॉफिट से जो पैसे मिलते हैं हम बिज़नेस के एक्सपेंशन पे लगाएं, हमारा बिज़नेस जो है ग्रो करे। नेचुरली जब ग्रो करेगा तो हम और लोगों को रोज़गार देंगे। उसी तरह जो बिज़नेस है क्योंकि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करे, रीज़नेबल प्राइस पे सेल करे, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड है, सोसाइटी अगर सेटिस्फाइड है, तो सोसाइटी के अंदर कंपनी की इमेज अच्छी होगी। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उसको डेवलप करें, ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ को इंक्रीज़ करें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस लाएं, ऑर्गेनाइजेशन को हम डेवलप करें। उसी तरह देखो जो नेशन के ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो 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 हमारा इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इन्हांस होता है, इम्प्रूव होता है, तो उससे हमारी इकोनॉमिक पोजीशन भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि नेचुरली इंडस्ट्री लगती है तो अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है, लोगों का इनकम इंक्रीज़ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज़ होती है। तो उसी तरह क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी की डिवेलपमेंट होती है, ठीक है, और उसी तरह हमारी इकोनॉमी जो है सेल्फ सफिशेंसी हो जाती है, क्योंकि हमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमें मतलब सारी चीज़ें हमारे देश के अंदर मिलती हैं, हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। उसी तरह क्या होता है कि जो हर एक देश की डिवेलपमेंट तभी होती है अगर हमारे पास ट्रेन एंड स्किल पर्सोनल होते हैं, और बिज़नेस हाउसेस के पास टेक्निकल नॉलेज होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देती है। उससे क्या होता है कि ट्रेनिंग नेचुरली ट्रेनिंग देने से क्या होता है कि स्किल इंक्रीज़ होती है, जिससे क्या होता है कि देश का और विकास होता है।